सिंह चौहान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 55वें अधिवेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने सन 1974 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की थी। इस दौरान आपातकाल में उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के कारण जेल भेज दिया गया। उन्होंने अपने जेल जाने के किस्से को भी अधिवेशन में बयां किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने 2003 का जिक्र किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापुरुषों के शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में नाम लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने प्रदेश में महापुरुषों के नाम इंग्लिश में और शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिए जाने की बात कही। इसके लिए बाकायदा प्रदेश सरकार राजकीय आदेश जारी करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हबीबगंज थाने का नाम बदले जाने को एक बार फिर से कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के शहरों के नाम भी हिंदी में ही लिखे जाएंगे। मध्य भारत के लगभग हर जिले से छात्र तरुणों का स्वागत है ग्वालियर में, और उसी के साथ लगभग 1000 से ज़्यादा छात्र तरुणाई यहाँ पर उपस्थित होकर इस जो अधिवेशन में विहंगम रूप से आप देख रहे हैं, तो छात्र शक्ति की गर्जना है। इसके निमित्त हम समाज में जो भी रंटला है, शैक्षणिक विषय में हम क्या सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, वर्तमान परिदृश्य में हमें क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए, तो उस पर वृहद चर्चा होती है, शोभा यात्रा होती है एवं भाषण होते हैं छात्र नेताओं के। तो उससे जो समाज में हमारा जो विचार है वो दृढ़ कैसे हो जाए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसका खात्मा कैसे हो, उसके निमित्त हम यहाँ पर अधिवेशन में मंथन करते हैं। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी भोपाल से सुघोष अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के तहत